हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज जो है दिन है सैटरडे का, अभी 5:30 हो गए हैं और मैं छत पे आई हूँ और देखो जरा रिमझिम रिमझिम बारिश क्या आपको दिख रही है। आज सारा दिन बारिश ऐसी है यार, रिमझिम रिमझिम झिम रिमझिम झिम, मतलब एकदम होके बंद नहीं हो रही है। और मैंने सोचा कुछ प्लांट्स, हमने नए प्लांट्स लगाए थे बट छत पर आई दिखाने के लिए, तो यहाँ पर अभी भी बारिश ही है। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो सारा फ़ोन जो है वो गीला हो जाएगा और मैं भी गीली हो जाऊंगी। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको यहीं से दिखाती हूँ। तो ये देखो, थोड़ा जूम करके यहीं से, ये काफी सारे तुलसी के, सदाबहार और क्या बोलते हैं इसको, मनी प्लांट, ये आम का, ये सबसे लंबा वाला जो प्लांट है ये आम का है। वो एक टब भी हमारे पास पड़ा था, ये जो बाल्टी वगैरह है ये एक्स्ट्रा में थी और जब हमारा घर बना था तो ये खराब हो गई थी टोटली, तो हमने इनमें भी प्लांट्स लगा दिए हैं। बाकी ये जितने भी रेड गमले हैं ना वो सभी अभी लिए हैं और वो टब जो है वो टूट चुका है। और मैंने इस बार मीठी नीम जो होते हैं उसको भी लगाया था, तो ये मीठी नीम के पेड़ में देखो जिस गमले में पूरा पानी भरा पड़ा है, कैप्चर, ये मीठी नीम का पेड़ है। उसके बाद ये जितने भी हैं ना सारे फ्लावर के हैं, पता नहीं यार फ्लावर इनमें कब आएंगे, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पर इतनी बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा पानी भर जा रहा है, बार बार निकालती हूँ फिर भर जाता है, डर लग रहा है ख़राब ना हो जाए। और तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 जो है बाल्टियों में लगा हुआ है, एक जो है टप में लगा हुआ है। बाकी जितने भी रेड गमले हैं वो अभी जस्ट रिसेंटली न्यू लिए हैं, ये सारे न्यू हैं। तो हस्बैंड को मेरे बागवानी का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो देख लो यार किस तरीके से सारे प्लांट रख दिए हैं। और वहाँ पे देखो किस तरीके से जो बर्ड के लिए, वो देखो बर्ड के लिए भी अच्छे से पानी करके रखा है। कबूतर आते हैं पानी में पीते हैं, प्लस उसमें नहाकर फिर चलते बनते हैं अपने काम पे। तो ये छत का व्यू और बारिश मौसम, बारिश तो पता नहीं आपको ये कैप्चर करा हो रही है ना कैप्चर, ये देखिए सामने वाले घर की हालत क्या हो गई है बारिश की वजह से। और उनके कपड़े देखिए अंदर सूख रहे हैं, सब जूम हो गया है तो सब दिख रहा है। तो प्लांट्स तो आपको दिखा दिया, अब एक काम करते हैं चल के चाय बनाते हैं और फिर चाय पी के फिर हमारा हो जाएगा लाइव का टाइम, फिर हम जाएंगे लाइव। हम मीन्स मैं जाऊंगी, आप लोग तो मुझसे बात करने आओगे। तो चाय के लिए फ्राई बन, ओ फ्राई बन जूठा पड़ा यार, उसको पहले मैं धो लेती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो चाय जो है वो बॉयल हो गई है, अब इसमें डालती हूँ मैं दूध। अदरक वाली चाय पीने का मन था पर घर में अदरक ख़त्म है, तो अभी मैंने काली मिर्च वाली चाय बनाई है। ये डाला दूध, अब इसका हम करते हैं उबलने का इंतज़ार। तो चाय बॉयल हो गई है, अब चाय को हम पुट करते हैं कप के अंदर। काली मिर्च वाली चाय है यार, अब ये अदरक के बिना भी काली मिर्च हो तो वो भी चाय काफी ज्यादा बन गई। पीने वाली मैं एक हूँ, कितनी कोशिश करो कम चाय बनाने की तो पीना ही पड़ेगा यार, अब कौन पिएगा मेरे संग चाय, शेयर कौन करेगा, मुझे ही पीनी पड़ेगी, ज्यादा हो गई है ये चाय, कम बनती नहीं है मेरे हाथ से, पता नहीं चाय क्यों कम नहीं बनती। अब इसके साथ मैं लूंगी ये दो चार इसके अंदर बिस्किट हैं, ये बिस्किट। आप कैसे खाते हैं बिस्किट, ऐसे ही डिप करके? मुझे तो चाय में डिप करके उसके बाद इस तरीके से बिस्किट खाना बहुत पसंद है। और वैसे मेरे फेवरेट बिस्किट जो है वो है मैरी गोल्ड के, शुगर फ्री होते हैं, टेस्टी होते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। तो हम जब भी लाती हूँ तो फ्री बैठी है बिस्किट या फिर मैरी गोल्ड। बात को लेके इशू मत बनाना, तो मैं इस तरह खा रही हूँ, कमेंट करके बताना कि कौन से जैसे डिप करके खाता है। ओके, आज आप एक काम करो, मेरी लाइट से होने वाला पहले सेटअप कि मैं फोन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट करती हूँ वो भी देख लो। पर जिस फोन से यार मुझे लाइव जाना था उससे चल रही है मेरी शूटिंग, और ये दूसरा फोन है इसमें भी आईडी है बट इसका अब क्या करूँ मैं, इसमें चार्जिंग जो है 50% से थोड़ा कम, 50% ही है, तो कहीं कभी भी बीच में लाइट को खतरा हो सकता है, तो इसने पहले से इसको चार्जिंग पे लगा लिया है। और अब मैं जाती हूँ लाइव, और आप देखो आज थोड़ी सी लाइव भी देखो यार, एंजॉय करो, कौन कैसे आता है, क्या बातें होती है वो भी देखो। तो जस्ट मैं लाइव जाती हूँ, टाइम हो चुका है 6 PM हो चुकी है, मेरी लाइव जाने का टाइम है, हो गया है। आज का टाइटल क्या दूँ, सैटरडे इवनिंग लाइव देती हूँ ना, फोटो क्लिक हो रही है थंबनेल के लिए ना, एकदम जब हम लाइव जाते हैं तो फटाक से फोटो जो है वहीं पे क्लिक हो जाती है, 1, 2, 3 करके क्लिक हो जाती है, तो वो क्लिक हो गई है। अब इसको कर रही हूँ लाइव और देखो कौन आता है, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा यार,
स्टैंड बनेगा वो बनेगा ये कप, ये कप बन गया है मेरा फूड का स्टैंड। अब देखती हूँ अगर यहाँ पे अगर दिखता है कैमरा ये वाला, और मतलब जिससे मैं शूटिंग कर रही हूँ तो इस पर एंगल थोड़ा चेंज करके और इससे पढ़ूंगी मैं मैसेज। तो इस मौसम में क्या बना रही हो, इस मौसम में क्या आप क्या बताओ, आप क्या बनाऊ मैं तो ऐसा कुछ स्पेशल सोचा नहीं है। और देसी व्यू आ गई है बोल रही है, हेलो हेलो देसी व्यू जी, हाउ आर यू, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। मोहित कौर वर्मा जी आ गए, टीचर जी गुड इवनिंग विद लाइक, शुक्रिया मोहित जी लाइक देने के लिए। और आज अपनी डीपी कुछ एक जैसी रखी है दोनों चैनलों की। देसी बोल रही है कि टू हाय रत्ना, रत्ना जी बोल रही है हेलो मैम एंड बच्चा। तो ज्योति जी आप रत्ना राज जी के साथ कनेक्ट हो जाना, जस्ट कवर माउथ विद स्टाफ एंड द रीड कमेंट्स मैम, ओह डियर आई कांट सॉरी, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये सब करना। किट्टू जी हमारी कविता ऐसे ही प्यारी लगती है, कौन स्टाफ पे छुपा, क्यों स्टाफ में छुपा रहे हो, हाँ यार मैं यही तो कह रही हूँ ऐसे देख लो। और मोहित वर्मा जी कह रहे हैं गरिमा जी जय, रत्ना जी कह रही है पकौड़े बनाओ यार, रात इधर में किसके लिए, इधर में नहीं चलेगा ना पकौड़े वाला, डिनर में बना देती और अभी मैं खुद ही ये भी दिखा दिया कि मैं लाइव का सेटअप कैसे करती हूँ, कहीं से भी फोन को एडजस्ट कर देती हूँ, कई बार ट्राईपॉड का यूज करती हूँ अदरवाइज नहीं करती ट्राईपॉड को। आज तो मैंने ट्राईपॉड पे ये वाला फोन लगाया हुआ था तो इस वजह से नहीं कर पाई। तो आपको बिहाइंड द कैमरा भी, मतलब बोलते ना बिहाइंड द सीन क्या क्या चल रहा है वो सब भी दिखा दिया लाइव का। और अब जो है मैं डिनर बना रही हूँ, आज बन रहा है डिनर में तोरी की सब्जी रोटी रायता ये बन रहा है। और मैं आज का ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगले ब्लॉग में आपसे ज़रूर मिलूँगी, और तब तक के लिए बाय बाय।